नेता इस जश्न में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आप उत्साहित कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, उत्साहित महिला कार्यकर्ता थिरक रही हैं और यहां पर सभी जो कार्यकर्ता हैं पूरे जोश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के तस्वीर से बिल्कुल अलग ये तस्वीर मतगणना के दिन की, जहां पूरी ही पिक्चर बदली हुई हरियाणा में दिखाई दे रही है। 24 सीटें बीजेपी हरियाणा के अंदर अब तक जीत चुकी है, तो वहीं माफ कीजिएगा 47 सीटें अब तक बीजेपी जीत चुकी है और कांग्रेस की 38 पर लीड चल रही है, 24 पर 23 जीत चुकी है, इसमें 24 तो अलग अलग टैलीज के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन यह तय लग रहा है कि प्रदेश में अब तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बड़ी बात यह कि एन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला बीजेपी ने, नायब सैनी को यह जिम्मेदारी दी। नायब सैनी की इस जिम्मेदारी को लेकर सवाल कांग्रेस ने खड़े किए कई बार, लेकिन उसके बावजूद नायब सैनी का को पसंद किया है हरियाणा की आवाम ने, यह दिखाई दे रहा है। बड़े चेहरे जो जीते हैं, कुलदीप वत्स ने जीत हासिल की है, कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप वत्स ने बादली से जीत हासिल की है, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी जीत गए हैं, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज शाम बीजेपी हेडक्वार्टर में होगा जश्न, शाम को बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी की जीत का जश्न मनाने के लिए आज शाम को बड़े जश्न की तैयारी बीजेपी हेडक्वार्टर में, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। हरियाणा में पार्टी की जीत पर उनका अभिनंदन किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी का यह शानदार प्रदर्शन, जबकि ये कहा जा रहा था कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी हावी लग रही है, इस बार कांग्रेस और कई जगह काउंटिंग रिपोर्ट की गई है, तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप में डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। सर आप इतने सीनियर लीडर हैं, शांत रहो भाई, शांत रहो। सर आप इतने सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल, आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने कार्यकर्ता उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए कहता है अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड भी हो गई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हो गई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है, कई जगह जो जैसे थानेसर है वहाँ जीत, हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट करा सिचुएशन तो डाटा अपडेट करें, और जैसे मैंने कहा ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। इलेक्शन कमीशन से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप निगरानी रखें और कोई ऐसी बात ना हो। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है और आरोपों को नकार रही है सरकार, आ रही है आपने दोनों के साथ क्या सुना है, सुनानी है आपको, मैंने क्या कहा है, क्या चला रहा हूँ। थैंक यू सर, इलेक्शन कमीशन ने हुड्डा, और इस बार हुड्डा समर्थकों की ओर से भी एक दावा था कि एक बार फिर मुख्यमंत्री कुर्सी संभालेंगे हुड्डा, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो फूट थी वो सबने देखी और अभी भी हुड्डा कह रहे कार्यकर्ता डटे रही है मैदान में, बहुमत से कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। लेकिन तस्वीर आपके सामने यहां पर है, किस तरह से पल पल जो आंकड़े बदल रहे हैं
जीत में तब्दील हो रहे हैं रुझान, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन सा उम्मीदवार कहां कहां से जीत कर आ रहा है वो भी टीवी स्क्रीन पर चेहरे आप देख सकते हैं। भारी मोदी की विश्वसनीयता, मोदी जी की आज जनता ने सर आंखों लिया है। अफवाह जो कहा जाता है ना, काट के घरे बार बार नहीं चढ़ते, एक बार गफलत में चढ़ गया उत्तर प्रदेश में, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी को तो जैसे गांव में कहते हैं मुंहे भार गिरे हैं, ऐसा मुंह भार गिरे हैं उनको होश नहीं आएगा। और हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया, मोदी पर भरोसा किया, जुमला राहुल के जुमले पर नहीं भरोसा किया। पहलवान किसान और क्या क्या जो सारे किसान और पहलवान तो हमारे साथ थे, जुमला उनके साथ के अन्य क्षेत्रों में। मैं तो ऐसा सैलाब देखता था कि जो लोग बातें करते थे मुझे कंफ्यूजन हो जाता था। और मैं मानता हूं कि हरियाणा की जनता, अभी जो रुझान आ रहा है, मैं अभी फाइनल कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, ईश्वर हमेशा सुनता है और हमको अभिमान इसका नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी इसको अभिमान नहीं करती है, बल्कि जनादेश का सम्मान करती है। तिवारी को आपने सुना, और गिरिराज सिंह ने भी ये साफ कर दिया कि राहुल की आंधी की बात जो कांग्रेस कर रही थी ना, वो आंधी कुछ नहीं थी, उस आंधी में कांग्रेस ही बह गई है। और बीजेपी पर विश्वास है जनता को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उस पर अभी भी जनता विश्वास करती है।